सर ये मुझे प्यार का भी चका चौका मिस हो गया सर ने पकड़ा ऐसे चका चौका मिस और ये क्लास से आउट। पास्ता बनाओ है किधर? दो सालन बने आज। क्या ये क्या ये क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है हमारी इस्लामाबाद में पहली सुबह और इस्लामाबाद में क्या खूबसूरत मौसम, इतना ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। बारिश हो रही है, इस वक्त 6 बज रहे हैं और इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है। मौसम अल्लाह ताला ने काफ़ी ठंडा बना दिया, शुक्र है अल्लाह का। दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, जितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बच्चों को स्कूल भेज के और बाकी काम से फारिग होकर तो फिर मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही थी। बस अब मैंने एडिटिंग कर ली है और ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो एडिटिंग करते करते अब दिन के खाने का टाइम हो गया है। तो दिन के खाने में आज बन रही हैं भिंडियाँ और साथ में बन रहा है कीमा। तो भिंडियाँ जो है इनको मैंने अच्छे से धो के खुश कर लिया। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ अम्मी को देने के लिए। मैंने कहा आप भिंडियाँ कट कर दें और प्याज अम्मी पहले ही कट कर रही थी। जो प्याज वाली भिंडी है ना वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। वैसे मैं ज़्यादातर टमाटर वाली भिंडी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बस मूड हो तो फिर प्याज वाली भिंडी बना लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी भांजी को लेने स्कूल से। उसका स्कूल जो है वो हमारे घर के करीब ही है। वैसे उसको बाबा लेने आते हैं, लेकिन आज चूंकि वो किसी काम से बिजी हैं इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर आज मुझे सिस्टर की कॉल आ गई कि आप जाओ और जाके ले आओ। तो फिर खाना जो है वो मैं आके बना लूंगी। वैसे भी जो है भिंडियाँ वगैरह कटी पड़ी हैं, तो खाना मैं आकर बना लूंगी। उसकी छुट्टी का टाइम है 12 बजे और 12 बजने वाले हैं। तो बस फिर मैं फटाफट से तैयार हुई और निकल आए घर से। मैं और अम्मी दोनों जो है वो आज उसको सरप्राइज देंगे और साथ में चेक करेंगे उसका रिएक्शन। तो चले फिर चलते हैं। तो उसका स्कूल जो है वो दूसरी साइड पर है। तो यहाँ बीच में ये कच्चा रास्ता आता है, अब हमने यहाँ से गुजर के जाना है और यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सारा कच्चा रास्ता। और अब गर्मियों की वजह से तो यहाँ पर इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं ना, वरना पहले जो है वो सर्दियों में तो ये काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। तो ये जो है वो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है और मोटरसाइकिल वाले तो वैसे ही घुस जाते हैं ना, क्योंकि वो तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता मिले तो मोटरसाइकिल वाले निकल ही जाते हैं। तो ये जो रास्ता है ना, ये बीच में से जो बना हुआ है शॉर्टकट है, काफ़ी आसान है ये रास्ता, वरना जो बाकी पीछे से अगर आए ना दूसरे रास्ते से तो वो काफ़ी लंबा है। तो यहाँ से तो 5 मिनट्स लगते हैं उसके स्कूल तक जाने के लिए। और ये आ गई ट्रेन की पटरी, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। जब ट्रेन गुजरती है ना तो पूरी वाइब्रेट ज़मीन हो रही होती है, इतना सख्त आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी जारी है यहाँ पर। तो चलिए जी, अब हमने रोड क्रॉस कर ली। देखिए कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ आई, पूरा जंगल बना हुआ है ये सारा। तो फाइनली हम स्कूल पहुँच चुके हैं। तो बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है, जो नर्सरी प्रेप के बच्चे हैं उनकी छुट्टी 12 बजे हो जाती है। लो जी आ गई हमदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बेटी ठीक है? चलो आओ। आज हमने कहा आज हम लेने जाते हैं आपको, है? अभी क्लास में बच्चे थे? नहीं, थोड़े थे। थोड़े से थे? अच्छा, बाकी चले गए थे? अच्छा ठीक। फिर आप अभी खेल रहे थे? अच्छा चलो आ जाए, चलो इधर से चलते हैं, इस तरफ से आ जाए। ये वाली इन्होंने इतनी ऊंचाई बना दी है ना, अच्छी खासी चंगी वाली ऊंची है। ये लो भाई हमदा, जामी शीरी पी ले। आपको पसंद है जामी शीरी? चलो जी मैं आ गई हूँ किचन में और आज खाने में बन रहा है कीमा। अरशमान का मोस्ट फेवरेट है कीमा, अभी अभी आया है बीफ कीमा। तो बस अरशमान की जो कि पसंदीदा डिश है कीमा। तो अभी वो स्कूल गया हुआ है तो वापस आने से पहले जो है ना वो कीमा रेडी कर दें। तो बस मसाला मैंने बना लिया और साथ ही मैंने कीमा शामिल कर दिया है। तो हमारे बच्चों की जो है वो छुट्टी होती है तकरीबन 1:30 बजे और बसेस में चूँकि वो आते हैं तो उनको फिर आते आते तकरीबन 2:30 बज जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो अभी उनका टाइम है छुट्टी होने का। तो यहाँ पर मैंने कीमे को प्रेशर दे दिया ताकि मसाला भी बन जाए और साथ कीमा भी हाफ डन हो जाए।
तो कीमे को मैंने 2 मिसल आने तक पकाया। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, तो अब इसको खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसा बना है। तो ये देखें, ये हाफ डन भी हो चुका है और साथ ही मसाला भी बन गया। इस तरीके से खाना बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है। मुझे जब भी गोश्त बनाना होता है मैं इसी तरीके से करती हूँ, मसाला बनाया और साथ ही मैं गोश्त भी डाल दिया, तो खाना झटपट तैयार हो जाता है। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाते हैं वैसे वैसे साथ मसाला भी भूनता जाता है और जल्दी जल्दी जो है ना वो काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर साथ मैंने भिंडी भी रख ली थी। अच्छा, जो भिंडी मैं बनाई है ना, इसे मैं हर चीज़ इकट्ठी डाल दी है, टमाटर प्याज मसाले सब डाल दिए। तो यहाँ पर कीमे को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, कीमा अच्छे से भून चुका है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे, मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। तो आलूओं को भी इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पानी और बस इसको प्रेशर दे देंगे, 2 विसल आने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद कीमा हमारा रेडी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब देखें कितना ज़बरदस्त कीमा हमारा तैयार हो चुका है। तो झटपट बन गया हमारा कीमा। तो बस अब इसमें डाल देंगे धनिया और मिर्चें, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट होता है धनिया और मिर्चे का। फ्रेश फ्रेश धनिया और मिर्चे हों तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, और जब तक बीच में धनिया और मिर्चे ना हो तो खाने का मज़ा भी नहीं आता। खैर, इसको अब थोड़ी देर के लिए ढांप देंगे ऐसे ही। तो और साथ में जो हमारी भिंडियाँ हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं, और भिंडियाँ देखें ना खड़ी खड़ी और कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो खैर, खाना तैयार हो चुका है, भिंडियाँ भी तैयार हो गई हैं और कीमा भी बनकर तैयार हो चुका है। बस अब सिर्फ बच्चों का इंतज़ार है, तो बच्चे आते हैं तो फिर जो है वो बस खाना लगाती हूँ मैं। आज जो कि खाना अर्शमान की पसंद का बना है, अर्शमान की मोस्ट फेवरेट डिश है कीमा। तो उसको पता नहीं है कि हमने कीमा बनाया है, तो खैर उसको सरप्राइज देते हैं और उसका रिएक्शन भी चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा दिन गुजरा आज का? मजे का। अस्सलाम वालेकुम, कैसा दिन गुजरा आपका? चल जल्दी करो, कपड़े चेंज कर लो ना, फिर खाना खाओ। हाँ, आज पास्ता बना हुआ है। हाँ, आज पास्ता बना हुआ है। पास्ता बना हुआ है किधर? 2 सालन बने हैं आज। जी, तो यहाँ पर सब खाना खा रहे थे, खाना मैंने लगा दिया और साथ रोटी मैं गरम गरम देती जा रही थी। और बच्चों को कोरिएंडर इतना पसंद है ना कि बस यहाँ पर भी, हालांकि मैंने वहाँ सालन में भी डाला है लेकिन इसके बावजूद यहाँ अलहदा कट किया, तो इसको भी जो है ना वो बार बार ऊपर से डाल रहे हैं, इतना पसंद है इनको कोरिएंडर। ओके जी, तो अभी ये रिहान नहीं है, इसकी मम्मा का परसों उन्होंने छीन लिया है, चलते चलते परसों रात हुई, मतलब रात का ईशा का टाइम था। अच्छा, उसकी मम्मा यही मोबाइल लेके जा रही थी, परसों रात को उसकी मम्मा का मोबाइल छीन लिया। अच्छा, ये बाइक पे एक लड़का आया उधर, वो गली में सामने वाली गली नहीं है, तैयब लोगों की गली से, वहाँ से एक बंदा आया साइड से छीन के ले गया, तब डर लगता है। सही सही, अभी हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ा सा वॉक के लिए। तो जब हमारी माँ को बताया था जी जी, हमारे यहाँ जो हमारे सर ने एक बच्चे को बहुत मारा। अच्छा, असल में हमारे एक सर है जो कि बहुत, मतलब वो मजाइया भी है। अच्छा, बहुत सख्त भी है। अच्छा, वो जो है ना, मतलब वो लड़का, मतलब वो लड़का है ना खास। अच्छा, वो मुझे ना लगता है उसको मेंटली प्रॉब्लम है या वो क्लास में आवाज नहीं लगा सकती वाला टेक्निकली। अच्छा, और बहुत ज्यादा शोकू बच्चा है, शोकू बच्चा पूरी क्लास में घूमता रहता है, फिर कभी कभी ऐसे आवाज निकलते हैं कि हाउ क्लास के सर लेक्चर दे रहे हैं ना जियोग्राफी का, उसने ऐसे करके आवाज निकाली सर सो जाए ना उसके बाद सर को गुस्सा आ गया। सर को गुस्सा आया, सर लेक्चर दे रहे थे ना हाँ। तो जियोग्राफी के चैप्टर का सर ने जो आगे उसको पकड़ा, यहाँ वहाँ से सर नहीं, असल में पहले क्या हुआ जी, सर ने बच्चे से पूछा कि ये कौन आवाज निकाल रहा था, उसने कहा ये, सर को गलत फहमी हो गई, सर ने साथ या साइड वाले बच्चे को पीट दिया। उसने कहा सर ये नहीं, सर ने एक दो यहाँ पे चपेट मारी उसको। तो फिर उस लड़के ने कहा सर ये नहीं, ये साथ जो बैठे है। सर ने कहा अच्छा अच्छा सॉरी, फिर सर ने उसको पकड़ के आए ऐसे मारा सर। अच्छा, वो जब सर मारते ना वो यूं हाथ रख लेता यूं, फिर जब सर का जो सर की चपेट थी वो उसके यहाँ हाथ पे लगती, सर कहते नो बॉल, जब सर पे लगती सब कहते एक बॉल हो गई। उसके बाद में ना एक बॉल हुई, फिर सर वो कहते सर बस करे, उसने कहा नहीं पूरा ओवर गुजारना है मैंने तेरे सर पे, फिर सर ने पूरी 6 बॉलें पूरी की यहाँ पर। उसके बाद जो है ना वो जब जैसे ही सर मार रहे थे ना, तो एक बच्चे ने कहा सर 2 9 बॉलें भी हुई है तो फ्री हिट भी बनती है। सर ने कहा वो तेरे पे गुजार देते, सर ने 2 उसको भी लगा दी। अरे सर को सिर्फ गुस्सा आया हुआ था, वो सर का पता नहीं लगता, कभी वो मजाक में होते हैं कभी
वो सीरियस होते हैं। उस लड़के को लगा सर मजाक में अभी हाँ। उसने कह दिया सर आपने दो नोवेल दो नोवेल कराई है तो फ्री भी बनती है हाँ हाँ। सर ने कहा वो तेरे पे गुजार लेते सर ने दो उसको भी मारी। सर ने कहा काम की भीड़ में जो बोलेगा उससे यही असर होगा बस कई बच्चे भी होते हैं ना ऐसी शरारतें करते रहते हैं। नहीं वो सर अब लेक्चर दे रहे हैं सही शुक्र लगा। एक लड़के ने पता है क्या कहा मतलब वो सर ऐसे बैठे हुए थे ना सर लेक्चर दे रहे थे ना तो एक लड़का पीछे मुड़ के कहता है वो आज छक्का छक्का में साउंड खेलते हैं वो एक गेम होती है ना यूं हाथों से खेलते हैं। सर ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम दोनों तो वो लड़का कहता है सर ये मुझे सर ने पकड़ा ऐसे चका चौका मिस और ये क्लास से आउट बस हो गया तेरा चका चौका मिस आउट करने क्लास। आज तो वॉक करने का मजा ही आ गया। अर्शमान की दास्तानें सुन सुन के ना हमारी जो वॉक का सफर है ना वो काफी जबरदस्त गुजर गया। अर्शमान जब छोटा था ना तब भी अर्शमान इसी तरीके से अपनी क्लास के किसी सुनाता होता था। फिर अर्शमान की टीचर जब हम कभी मुलाकात के लिए जाते होते थे तो अर्शमान की टीचर कहती थी कि अर्शमान के तो किस्से ही नहीं खत्म होते और वाकई अर्शमान के किस्से नहीं खत्म होते। तो खैर इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।